मेजर फोकस है होस्टिंग में सीरियस एक्टिंग कि शबाना आजमी टाइप की परफॉर्मेंस अगर निकल जाए इस शो में ना कॉमेडी तो देखो है ही, कॉमेडी का क्वेश्चन है। आज उनको ग्लैमर इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। कोशिश तो यही है यार धमाका ना करें। मतलब ये धमाका वमाका क्यों करना है? मतलब बस दिन को अच्छी लग जाए, थोड़ी मजेदार बातें हो, बस वही कोशिश है, है ना। थोड़ी जो पारिवारिक जो बातें हैं मेरे ख्याल से उनको करने की कोशिश है और उन तक अपने दिल की बात पहुंचाने की कोशिश है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो साहब पहली बार आप टीवी पर आ रहे हैं? जी साहब, होस्टिंग पहली बार कर रहे हैं। थोड़ा बताइए कि क्या करने वाले आप, लाइक होस्टिंग में कितने एक्साइटेड हैं? क्या मैं होस्टिंग, मेरा मेजर फोकस है होस्टिंग में सीरियस एक्टिंग। जी हाँ भाई, ये मेरा एक मेजर फोकस है और कोशिश तो यही है कि शबाना आजमी टाइप की परफॉर्मेंस अगर निकल जाए जैसी उन्होंने पार में करी थी, वो अगर मेरा लक्ष्य है मेन, तो अगर वो हो जाएगा तो सही रहेगा। नहीं साहब, हमारी स्कारलेट जोहानसन से भी बात हुई। हाँ, लेकिन वो वो, अरे मैंने फिर से बता दिया। तो नहीं, यही कहना चाहता हूँ कि ये बात बतानी नहीं है, ये सिक्स्थ या सेवन्थ एपिसोड में आने वाला है, ये सिर्फ अपने अंदर की बात है, वो बतानी नहीं है, आपसदारी की बात है। तो हाँ जी, हाँ जी जी, वो आ रही है। सॉरी, हाँ मैं तो देखने जा रहा हूँ उस दिन, बस मैं बैठ रहूंगा एक ही जगह। क्या? नहीं नहीं, मतलब बस जाके, मतलब उनको जाकिर भाई बात करेंगे और हम सुनेंगे और उस माहौल को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। जी यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ऑल जोक्स अपार्ट, इस शो की सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो ये है कि आई थिंक इस शो में ना कॉमेडी तो देखो है ही, कॉमेडी का क्वेश्चन है, लेकिन जो इसका एसेंस है ना, इट्स ऑल हार्ट। और आई थिंक आपको वो पहले एपिसोड में ही दिख जाएगा, इज़ बिकॉज जहाँ करण सर से जो बातें हुई हैं, जिस तरीके से वो उन्होंने अपनी, उनकी जो जीवन की जो जो कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियां जो हमारे सामने रखी, वो शायद हमने पहले नहीं सुनी थी। तो आई थिंक वो एक बहुत ही वल्नरेबल स्पेस, बहुत ही ब्यूटीफुल और सेंसिटिव स्पॉट है जो जाकिर भाई बहुत ही बढ़िया से टैप कर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द हम जो है, हमारा पागलपन और हमारी मस्ती से उसको पूरा भर के वो जो एक झांकी है उसको बढ़िया सा तैयार करके आपको पेश करेंगे। तो प्लीज़ सैटरडे संडे देखिए, आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय दिस। मेरे ख्याल से एक मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी गेस्ट से जब हम बात करें तो उनको एज ह्यूमन ट्रीट किया जाए, एज इंसान के तौर पर उनका जो संघर्ष रहा है, उनके पारिवारिक संघर्ष जिस तरह के रहे हैं, जिस तरह की उनकी पीढ़ियों ने, उनकी आल ने जो मेहनत करी है, जिसकी वजह से वो इंसान बन पाया जो आज हैं, क्योंकि मेरी भी लीनियज है एक, है ना, जिसकी वजह से हम सब जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पीढ़ियों का संघर्ष लगा है हमारे यहाँ पहुँचने में, है ना। किस पीढ़ी ने बीज बोया, किसने पानी दिया, किसने वहाँ खाद डाली, किसके सालों में वो पेड़ उगा, और हमारे वक्त ये फल तोड़ने का शायद वक्त आया है, और हमारी पुश्तों में शायद ये मौका बाय चांस की बात है कि हमें मिला, या उनकी पुश्तों में शायद बाय चांस की बात है कि उनको मिला, पर वो जो मेहनत है जो पिछली पीढ़ियों ने करी, जो उनके वालिद साहब ने किया, जो उनकी मदर ने किया, जो उनकी दादी ने किया, उसको भी याद करना और उनसे सीखना। मेरी ज़िंदगी में एक ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसको लेकर मैं बहुत लालची हूँ, वो है सीखने को लेकर। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ वो करने के लिए, और ये वो शख्स हैं जो, हर वो शख्स जो आ रहा है हमारे शो पे, वो अपने अपने काम के पीक पर हैं, बेहतरीन शख्सियत हैं जिनका बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है, और उनसे ये समझना कि वो वहाँ पहुँचे किस तक। हम जैसे लड़के जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस फील्ड का, है ना, उनके लिए वो नॉलेज, वो इंसाइट, वो इतना ज़रूरी है, और आई थिंक वही हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, और उसके बाद जो श्रद्धा और राजकुमार है उनसे भी हमने वही समझने की कोशिश करी। स्त्री भी आई है? जी जी जी, स्त्री को तो बुलाना ही चाहिए। हरीश भाई आप बताइए, आपने क्या सवाल पूछा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक है, शूट, हाँ, जैसे जाकिर ने बताया और ऋत्विक ने बताया, करण जौहर का जो बॉडी ऑफ वर्क है, आज उनको ग्लैमर इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो इंसान कैसे हैं, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी क्या रही है। आई वोंट से स्ट्रगल, बिकॉज स्ट्रगल इज़ अ बैड वर्ड, आई वुड से इट्स अ जर्नी। स्ट्रगल तो हर कोई बंदा स्ट्रगल तो करता ही है, लेकिन जो उनकी जर्नी है, वो जर्नी में उतार चढ़ाव क्या है, उन्होंने क्या किया, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा, वो जो हमें जानने मिला,
उससे हमें ये भी सीख मिलती है कि चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएँ, आप अपना लक्ष्य ध्यान में रखें, आपको कहाँ जाना है, आप वहाँ पहुँचेंगे बाकायदा। आई मीन आपको ऑनेस्टी से काम करना है, मेहनत करनी है। और जिस तरह से करण जी ने जो अपनी एक ह्यूमन साइड हमें बताई है, वो शायद आज तक हमने कभी उनके किसी भी इंटरव्यू में देखी नहीं है। तो वो आई थिंक विल बी अ डिफरेंट देन उनके अर्लियर जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो भी उन्होंने आजकल अभी तक जो उन्होंने बताया है, वो शायद ये शो में आपको लगेगा कि हाँ ये तो डिफरेंट इंसान है। जो इन्होंने पहले कभी शेयर नहीं किया था वो शायद जाकिर के शो पे उन्होंने शेयर किया है। इस तरह से आपके अपने नाम का शो लाना जी इतना बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए? साहब कंटिन्यू तो टाइम ही बताएगा। हम तो अभी जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, कंटिन्यू तो समय ही बताएगा। अब उस कालखंड में क्या लिखा है वो तो भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, माँ बाप की दुआएं हैं उसमें, अगर वो चल जाएगा तो। अपने नाम का शो जो है, मेरा तो नहीं था आइडिया ये मेरे ख्याल से जो हमारे क्रिएटिव प्रोसेस के लोग हैं सब उनकी तरफ से ये बड़ी उनकी इच्छा थी कि शो का नाम आपका अपना जाकिर हो। मैंने तो 75 और नाम दिए थे कि ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, रख लो, पर वो सब माने नहीं। और मैं बड़ा एक टू मच डेमोक्रेसी के साथ ऑपरेट करता तो उस चक्कर में हार, मेरे वोट जो है कम पड़ गए और मैं ही हारा। तो पर अब जब लग रहा है शो तो ठीक ही लग रहा है, घर वाले बहुत खुश हैं, मम्मी पापा को बहुत अच्छा लग रहा है उनके बेटे के नाम से शो है, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी खुशी क्या होगी। कोई एक ऐसा गेस्ट जिसे आज भी आपके शो में आपको इंतजार है आने का? सोनी पे ही मैंने सुपर डांसर के दौरान बहुत कम समय मिला था मुझे। हमने आशा पारिक जी और वहीदा रहमान जी के साथ एक बहुत मौका लगा था उनके साथ एक एपिसोड शूट करने का, जब वो बच्चों के डांस शो के लिए आई थी। तो मुझे याद है यार, वो एक दिन जो था ना वो इतना मेजमराइजिंग था, क्योंकि उनकी कहानियाँ इतनी सुंदर और इतनी ग्राउंडेड कहानियाँ कि उनसे जब सुना कि वो वहीदा रहमान जी, वो आशा पारेख जी हैं यार, मतलब गॉडेसेस हैं वो। तो आप उनके मुंह से जब वो बेसिक ह्यूमन कहानियाँ सुनते हो तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि शायद मेरी मम्मी ही बात कर रही हैं है। या मेरे ही घर में मेरी चाची हैं या कोई है जो बात कर रही है, और वो उनके लेकिन चेहरा आशा पारेख जी और वहीदा रहमान जी का है। सो आई थिंक आई वुड रियली होप एंड प्रे कि हमारा अगर ऐसा कभी नसीब बने कि इस शो पे वैसे कुछ गेस्ट आए, क्योंकि आई एम श्योर जाकिर भाई यू विल लव इट और इसी बहाने शायद हमें भी दोबारा मौका मिलेगा उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने का। सो आई थिंक ये जो दो गेस्ट जो मेरा मन कहा कि दे शुड बी ऑन द शो, मेरे जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में दो लोग हैं जिनका बड़ा मेरी जिंदगी पे बड़ी छाप है, एक तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब और सचिन तेंदुलकर। ये लोग अक्सर शोज पे नहीं जाते हैं और हम शायद पूछेंगे तो वो मना कर देंगे, पर मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इन दोनों को एक साथ, कि दो लोग जिनको टाइमिंग की इतनी समझ है, एक रिदम की और टाइमिंग की जिनको इतनी समझ है, और उनसे बड़ा मास्टर उस चीज़ का कोई है, ये दो लोग अगर एक साथ मेरे शो पे आएंगे तो शायद उस दिन मैं मान लूंगा कि साहब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। कि मैं चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन और एम एस धोनी अगर शो पे आए, ऑफ कोर्स एक साथ आएंगे, अलग अलग आए तो भी मुझे कोई इशू नहीं, बस आ जाएं, क्योंकि दोनों अपने अपने फील्ड में लेजेंड हैं और उनका एक्सपीरियंस और उनकी जर्नी आई थिंक वो ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी। सो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि अगर ये दो अगर मेरे शो पे आते हैं तो आई थिंक उससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो आपका अपना जाकिर 10 अगस्त से सैटरडे संडे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, भूलिए मत 9:30 to 10:30 जी। थैंक यू। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।